यार मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, ये टाइम कहाँ चला जाता है यार। मैं टाइम पे कुछ काम क्यों नहीं कर पाती यार। ये ऑफिस के डेडलाइन तो हमेशा ही मिस कर जाती हूँ। ये टाइम और मेरा कुछ जमता ही नहीं है। पता नहीं टाइम मैनेज करे भी तो कैसे करे। इतने बड़े बड़े सपने तो देख लेती हूँ पर यहाँ ढंग से टाइम भी मैनेज नहीं कर पाती। क्या ही होगा मेरा। टाइम 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 एंड टाइम। बहुत सारे लोगों ने टाइम पे बहुत कुछ अच्छा लिखा है, जैसे कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि यू थिंक यू हैव अ टाइम, टाइम इज मनी तो काफ़ी पुराना है। वक्त के साथ चलना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, और भी बहुत कुछ टाइम पे हमेशा ही लिखा गया है। अगर टाइम के बारे में इतना कुछ लिखा गया है तो इसका मतलब जिंदगी में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हमें टाइम पे टाइम यूज करने से रोक रहे हैं, और जितना टाइम हमारे पास है वो भी हमने वेस्ट ही कर दिया, तो एक छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे गिल्ट रह जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स की। नंबर वन इज पैरेटो एनालिसिस। इसको 80-20 रूल भी कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे 20% एक्शंस हमारा 80% आउटकम डिफाइन करते हैं। मतलब इसमें हम एक्शंस पे फोकस करते हैं। यही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत कपड़े हैं, फिर भी हम हमारे 20% ही कपड़े 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। इवन इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक, देन 20% पेजेस ही हमें 80% अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। या फिर किसी कंपनी के 20% ही एम्प्लॉयज 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे देखा जाए तो क्लास में भी सारे के सारे बच्चे बिल्कुल टैलेंटेड नहीं होते, 100 में से 20% ही बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। या फिर एक दिन की भी बात करें तो ओनली 20% ऑफ द टाइम इन अ डे वी फील मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। अगर यही टेक्निक हमने टाइम मैनेजमेंट में लगा दी तो हमें समझ में आता है कि 20% एक्शन सही कर लिए तो 80% टाइम आराम से मैनेज हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज कि आप एक स्टूडेंट हो और आपका गोल है कि अच्छे मार्क्स लाना, बट आप वो नहीं ला पा रहे हो। डे बाय डे, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपके ग्रेड्स कम होते जा रहे हैं और कम ही होते जा रहे हैं। अगर हमने 20% एक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे ग्रेड्स क्यों कम हो रहे हैं, तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि शायद मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करती हूँ, शायद मैं फ़ोन भी ज़्यादा यूज करती हूँ, शायद मैं दोस्तों से घंटों तक फ़ोन पे बात करती रहती हूँ, शायद मैं दोस्तों के साथ हमेशा ही घूमती रहती हूँ, शायद मैं वीकडेज वीकेंड्स सब में पार्टी ही करती रहती हूँ। आई थिंक मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शायद मैं ज़्यादा लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करती, नोट्स भी नहीं बनाती, मुझे कोई सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता। अभी हमें उन सारे प्रॉब्लम्स को एक कैटेगरी में डालना है, जैसे कि सपोज सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना या फिर फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना, इसको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, उसको नाम दिया सोशल मीडिया। मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात करती हूँ, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमती हूँ, पार्टी ज़्यादा करती हूँ, इसको हमने एक नाम दिया टू मच सोशलाइजिंग। शायद मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शायद मैं ज़्यादा लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करती या फिर नोट्स भी नहीं बनाती, तो इसको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, उसको नाम दिया लैक ऑफ फोकस ऑन स्टडी। अभी हमको देखना है कि एक पूरे दिन में ये सारे ऑकरेंसेस कितनी बार आते हैं। जैसे कि हमारा पहला कैटेगरी था सोशल मीडिया, तो दिन भर में आप कितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो या फिर फ़ोन यूज़ करते हो। ये तो बहुत हो गया, 40 times। अब चले जाते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पे, वहाँ पे आता है टू मच सोशलाइजिंग। जैसे कि किसी दोस्त का फोन आ गया, आप चले गए एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपने बात कर ली, तो दिन भर में ये चीज़ें कितनी बार होती है ये आपको ऑब्जर्व करना है, मिनिमम 8-9 times। अगर हमने तीसरा कैटेगरी देखा कि नो फोकस ऑन स्टडी, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, या फिर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ये तो बहुत बार सोशल मीडिया या फ़ोन की वजह से भी हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, तो उसको हमने नंबर दिए 30। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जाते हैं सोशल मीडिया वाली कैटेगरी को,
तो अभी हमें हमारा प्रॉब्लम समझ आ गया है। माँ भी सही कहती थी कि आग लगा दे इस फ़ोन को, और सच में आग मत लगा, बट अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आ गया है तो टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है ये भी समझ आ ही गया है। ये कैटेगरी के नंबर आपके हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है और आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। दूसरा टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक्स। इसमें आता है कि एक टास्क आइडेंटिफाई करो और उसे लिख लो। अगर टास्क बहुत बड़ा है तो यहाँ पे हम उसे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सपोज आपको लगता है कि ये टास्क कंप्लीट होने में 3 आवर्स तो लग ही जाएंगे, तो ये हमने किया 3 आवर्स को 6 चंक्स में ब्रेक। हर एक चंक होगा 30 मिनट का। अभी हमें 30 मिनट का एक टाइमर सेट करना है, एंड ये 30 मिनट बिना कुछ सोचे, बिना मोबाइल हैंडल किए फुल डेडिकेशन से काम करना है। एंड जैसे ही 30 मिनट ख़त्म होते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये 5 मिनट के ब्रेक पे आप कॉफ़ी पी सकते हो, वॉक कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, डांस कर सकते हो, एनीथिंग यू लाइक। जैसे ही ब्रेक ख़त्म होता है तो जाएंगे हमारे दूसरे चंक पे, वहाँ पे भी हमें 30 मिनट का टाइमर स्टार्ट करके फिर से काम शुरू करना है। हर 30 मिनट का जो टाइम होता है वहाँ पे नो फोन, नो किसी से बातचीत, ओनली काम। जैसे ही 30 मिनट आप ख़त्म कर लेते हो तो एक टिक मार्क तो बनता है। ट्रस्ट मी, आपने खुद से कुछ अचीव किया है ऐसा फीलिंग आएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आपको ये रिपीट करते रहना है जब तक आपका पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होता। नंबर 3 इज एसनवर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम ऐसे क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। पहले आता है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे ही करेंगे, जैसे कि ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर नोट्स बनाने हैं। दूसरे में आता है कि इम्पोर्टेंट तो है बट इतना अर्जेंट नहीं है, तो वो हम डिसाइड करेंगे कि ये करना भी है या नहीं करना है, या इसको डिले कर सकते हैं, जैसे कि जिम जाना या फिर बैडमिंटन खेलने जाना या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें। तीसरे में आता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये अर्जेंट हो सकता है, जैसे कि किसी मेल को रिप्लाई करना है या फिर कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है, तो ये भी हम डिसाइड करेंगे कि अगर दिन के प्लान में आएगा तो करेंगे, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में आता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी नहीं है एंड अर्जेंट तो बिल्कुल नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर पर्सनल फ़ोन कॉल करना या फिर रिस्पॉन्डिंग टू समवंस टेक्स्ट। अगर आपने ये एनालिसिस अच्छे से बना लिया देन इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डिसीजन मेकिंग और इवन कम्प्लीटिंग योर टास्क ऑन टाइम। तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचता, कहाँ जाता है, ये एक्सक्यूज नहीं रहेंगे। तो आज तो हमने टाइम मैनेजमेंट के सिर्फ 3 ही टेक्निक्स के बारे में बात की है, पर नेक्स्ट वीडियो में हम और टेक्निक्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए ये 3 टेक्निक्स ट्राई कीजिए, बिकॉज मैं भी यही टेक्निक से अपना टाइम मैनेज करती हूँ। So if you really like this video, then please like, share, subscribe and get better together. You can also follow me on Instagram to know more about me. Till then, bye.